बेटा पहले से यहाँ है, तो ये लोग फ्लेम के बे बैटलर्स हैं। नीको, एल, मेरी आवाज आ रही है? मैंने फ्लेम के बे बैटलर्स को सैंक्चुअरी में देखा है। अच्छा, तो वो यहाँ पहुँच चुके हैं? हाँ हाँ, अब तुम्हारी बारी है। तो फाइनली अब वॉरियर बैटल्स का वक्त आ चुका है। हाँ, हम हमारे प्यारे लाइटनिंग के भविष्य के लिए लड़ने जा रहे हैं नीको, और इसीलिए हमारे भविष्य की लड़ाई अब शुरू होती है। मुझे हैरानी हुई, आखिर तुम नजर तो आए, पढ़ बोले इंसान। तो तुम बे बैटलर्स लाइटनिंग से हो? हाँ हाँ, मेरा नाम है नीको। और मैं हूँ एल। तो चलो शुरू करते हैं, वक्त है वॉरियर बैटल का, जिसमें जीतने वाले को मिलेगी सैंक्चुरी की एनर्जी। एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एमेचर्स हमसे जीत जाओगे? तुम्हें पता है हम फ्लेम के प्राउड वॉरियर्स हैं। अगर तुम बिना लड़े हमें सैंक्चुरी की एनर्जी देते हो, तो हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि हम जीत सकते हैं? तो तुम में से कौन आ रहा है? मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से लड़ना चाहता हूँ। रुक जाओ एल, तुमने वादा किया था कि पहला मुकाबला मैं ही लड़ूंगा। लेकिन मैं एल, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि बे रेडर्स ने हमें ही क्यों चुना, और असल में ये वॉरियर बैटल्स हैं क्या? प्लीज एल, मैं ये मुकाबला करना चाहता हूँ। पर नीको, अच्छा ठीक है, इन नौसिखियों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। सुनो सेड, ये लड़ाई मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जाओ और इन मूर्खों को फ्लेम की असली ताकत दिखाओ। बहुत अच्छे, मैं पहले इस वॉरियर बैटल का विजेता बनूंगा, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता, समझे? वो तो बाद में देखेंगे दोस्त। तो फिर शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, हमें तुम पर भरोसा है नीको, तुम कर सकते हो। इकट्ठा कर सको करो, समझे? ठीक है, हम बैटल के लिए तैयार हैं, है ना स्पार्क ड्रैगन? मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, लेट इट रिप! स्पार्क ड्रैगन, फ्लेम कैपेक्स! ग्रह आकाश गंगा के बाहरी इलाके में स्थित है। इस ग्रह का 80% हिस्सा असल में एक शुष्क बंजर जमीन से ढका है। हालांकि ग्रहों के संघ ने इसे बहुत पहले छोड़ दिया था, मनुष्यों का एक समूह अपने रहने लायक जगह की तलाश में यहाँ बस गया। यहाँ सीमित संसाधन है, जिससे टेराफॉर्मिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ कई शहर राज्य बना लिए और सीमित ऊर्जा स्रोतों को आपस में बांटकर अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले, क्या ये सब प्राचीन टेस्लैंडियन से बने थे? तो क्या हमसे पहले भी यहाँ कोई सिविलाइजेशन रहती थी? तुम्हें क्या लगता है ये खंडहर किस काम आते होंगे? अरे, ये किस तरह की एनर्जी है? देखा गया कि टेस्लैंडिया के आसपास कई जगहों पर पावर स्पॉट्स थे, जहां बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जिन्हें सैंक्चुअरीज कहा जाने लगा। तुम्हारा एनालिसिस खत्म हुआ? यस मैम, एनालिसिस से पता चलता है कि सैंक्चुअरीज के अंदर जो एनर्जी है वो आर्टिफिशियली बनाई गई थी, जो शायद टेस्लैंडिया की प्राचीन सभ्यता की टेक्नोलॉजी थी। हम ये कह सकते हैं मैम कि ये एनर्जी हमारे अभी के एनर्जी सोर्सेस से कई ज्यादा विकसित हैं।
अगर इस नई एनर्जी को निकाला जा सके तो हमें ऐसा रिसोर्स मिलेगा जो हमें जिंदा रखने के लिए काफी है। हालांकि यहाँ की जो एनर्जी है वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी से सील कर दी गई है जो आज के मॉडर्न सिविलाइजेशंस में देखने को मिलता है मैम, इसीलिए हमें अभी तक इसे निकालने का कोई तरीका नहीं मिला। फ्लेम के लिए यहाँ पर टेराफॉर्मिंग करने और इस ग्रह पर अपना अधिकार बनाने के लिए हमें इस रिसोर्स को सुरक्षित रखना होगा। तुम अभी इसे निकालने का कोई तरीका ढूंढो। ठीक है। लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा खाना वहीं रख दो। ग्रैंडपा, आप जानते हैं कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कम से कम खाना तो खा लीजिए। ओहो निको, तुमने तो मुझे दौड़ा ही दिया। ओह, गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रोस्ट, आज कोई नई चीज मिली? नहीं, हम सब अब तक सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो ये कि सेंचुरीज के अंदर सील की हुई एनर्जी हमारे लिए क्रांतिकारी नया संसाधन होगी और हमें इसकी जरूरत है। इससे हमारे लिए बंजर जमीन को उपजाऊ खेत में बदलने जैसे काम करना आसान हो जाएगा ताकि हम अपनी जरूरत का खाना उगा सकें। आपका मतलब है हम लाइटनिंग में फार्मलैंड बना सकते हैं? हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा एनर्जी कैसे निकाली जाए। समझ नहीं आ रहा उन खंडहरों में इतनी ज्यादा एनर्जी आखिर आई कहाँ से? तो हमें सिर्फ एनर्जी निकालने का रास्ता ढूंढना है। ग्रैंडपा, ये आर्टिफैक्ट्स तो सैंक्चुअरी के खंडरों में से मिले थे ना? हाँ, और मैंने इन्हें नाम दिया है बे रेडर्स। क्या बात है, अगर ये सैंक्चुअरी में एनर्जी के साथ कुछ करें तो। उसे नीचे रख दो, ये आर्टिफैक्ट्स मेरी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं निको। एक मिनट डॉक्टर प्रोस्ट, हो सकते हैं मतलब? मेरा मतलब है हमने बे रेडर्स की बहुत अच्छी तरह से जांच की है और सैंक्चुअरी की एनर्जी से इसका किसी भी तरह का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन टेस्लैंडिया में रिसर्च फैसिलिटीज अभी तक कुछ भी काम कर नहीं ढूंढ पाई और ये पता लगाना इतना आसान नहीं कि वो किस लिए थे। शायद बे रेडर्स का इस्तेमाल किसी एंशियंट रिचुअल में किया जाता हो, या हो सकता है वो एंशियंट सिविलाइजेशन में बच्चों के खिलौने रहे हों। बच्चों के खिलौने? खिलौने हो सकते हैं। खैर, उसे वापस रख दो निको, तुम जो खाना लाए हो वो मैं खा लूंगा, लेकिन प्लीज अब मेरा ध्यान मत भटकाओ। निको, ये जगह ठीक है। बनाया हो, हाँ? एक साइबोर्ग क्रीचर।